सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और शेयर करना ना भूलें। पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ है तो मैं भी पाकिस्तान पूरा तो ख़राब नहीं है, क्योंकि अगर एक ने गलती की है तो उसकी सज़ा पूरे पाकिस्तान को नहीं मिलना चाहिए। अगर आप ये बोलें कि पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट हैं तो पूरा पाकिस्तान टेररिस्ट नहीं है, तो उस हिसाब से अगर ऐसे रखा जाए तो पाकिस्तान पूरा ख़राब नहीं है। तो वहाँ भी बहुत अच्छे लोग हैं जो अच्छे तरीके से बर्ताव करते हैं, बुरे भी लोग हैं, इवन हमारे इधर भी लोग होंगे इस तरीके के। तो मेरे हिसाब से तो दोनों कंट्रीज़ यार अच्छी हैं, और हम मेरा भी नाता रहा है पाकिस्तान से, तो बट अभी मैं इंडियन सिटीज़न हूँ तो आई विल सपोर्ट इंडिया। भाई मेरा तो यहीं का, क्योंकि मैं खाती यहीं का हूँ, राशन पानी मेरा यहीं का है, तो आई विल सपोर्ट इंडिया। और अब तो कांग्रेस पार्टी भी आपने ज्वाइन कर ली है। डेफिनेटली अब तो ज़्यादा ही हक बनता है मेरा, क्योंकि अगर मैं इस वक्त बैठकर पाकिस्तान को सपोर्ट करूँगी तो मुझे नवजोत सिंह सिद्धू या फिर इन लोगों की तरह हो सकता है कल इनके पास आ जाए कि अर्शी को निकालो कांग्रेस पार्टी से, तो आई एम सो सॉरी। बहुत ही क्रिटिकल टाइम्स चल रहे हैं हमारे देश के। मैं कभी भी युद्ध के फेवर में नहीं हूँ और मैं कभी भी नहीं रहूँगा, चाहे लोग कुछ बोलें, मैं युद्ध के फेवर में नहीं हूँ कभी भी। लेकिन अब हो रहा है तो अपने देश के फेवर में तो है, हम लोग हम देश के फेवर में हैं, जो देश करेगा हम उसके फेवर में ही हैं ऑब्वियसली। पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, पटाखे मत बजाया करो यार आप लोग। अभी पहली बार तुमने कुछ हुआ है फिर तुम फिर इंडिया 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 कर रहे हो, इंडिया ये वो, भलते भलते ट्वीट्स कर रहे हैं, एनरेज कर रहे हैं सामने वाले को, चढ़ा रहे हैं। आप चढ़ाओगे तो वो भी चिढ़ के आएंगे, उनकी कंट्री वाले उनको बोल रहे हैं शेम 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 बोल रहे, फिर वो आके वो कर देंगे। कोई अंत ही नहीं इस चीज़ का। आप लोग जो अभी पहली बॉल डाल दी, बोलते हम जीत गए, अरे वहाँ से शॉट तो पड़ना था उसको पहले। दिस इज़ वेरी स्टूपिड ऑफ इंडियंस कि हम लोग ऐसे करते हैं कि बच्चे बन जाते हैं। एक अच्छा देश तमीज़ से रहता है, आपने कुछ किया है आप उसको क्लास से आइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लास से आइए। टीवी में जो डिबेट हो रही है, क्या चल रहा है, मतलब बचपने वाली बात है। आई बिलीव दैट वी एज इंडियंस नीड टू रियली रियली ग्रो अप एंड कोई भी काम करे, अगर आप अपना बदला भी निकाल रहे हैं तो तभी से निकालिए। आप बेइज्जती करके और पटाखे फोड़ रहे हैं ये कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। दिस इज एंड किसी की मौत का जश्न कैसे मना सकते हैं आप? हमारे मरे या उनके मरे, हैं तो किसी के बच्चे, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, हम किसी के वो चाहे मिसलेड होंगे, वो गुमराह हैं, वो गंदी नीयत के हैं, पर ह्यूमन बींग्स हैं। आप किसी के मरने पर पटाखे कैसे बजा सकते हैं आप? सो आई बिलीव दैट वी हैव टू रियली ग्रो अप, हैव बिकम गुड पीपल एंड आई थिंक ये सब चीज़ों के लिए एक एक बहुत समझदार मीडिया की भी ज़रूरत है, जो कि हम थोड़ा लैक कर रहे हैं।